नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की एक खबर है, काफी अजीब और गरीब खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आप फुटेज जो देख रहे हैं, उस फुटेज में एक व्यक्ति है, एक आरोपी है, उसको पुलिस कर्मी लेकर जा रहे हैं। इस आरोपी के ऊपर जो आरोप लगा है वह आरोप बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल इस पर आरोप यह है, इस शख्स ने एक तबेले के अंदर पांच भैंसों का खून किया और 11 से अधिक को घायल कर दिया। मामला हाल ही का बताया गया है, अभी कुछ दिन पहले यह घटना घटित हुई है। और यह घटना है ठाणे आयुक्तालय के अंतर्गत भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र की निजामपुर थाने की। वहां पर इस आरोपी ने एक तबेले में रात के समय में यह घटना अंजाम दी। रात के समय में अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पर बंधी हुई तबेले में बंधी हुई भैंसों के पैरों की नसें काट ली, जिस वजह से खून बहने की वजह से पांच भैंसे मर गई तुरंत और 11 भैंसे घायल हो गई। बाद में ऐसी खबर भी सामने आई कि इन 11 में से भी 2 भैंसों की मौत हो गई। इस मामले का खुलासा करते हुए ठाणे के उपायुक्त योगेश चौहान ने जो मीडिया को जानकारी दी, उसमें यह सामने आया कि यह जो शख्स है, इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इस शख्स ने तबेले मालिक को कुछ लाखों का फायदा करवाया था और उसके बाद उसकी ऐसी इच्छा थी कि उस फायदे में से उसको कुछ अपना हिस्सा मिले, लेकिन तबेले मालिक ने उसको अपना हिस्सा नहीं दिया। तो उस चीज का गुस्सा था इसमें, इसने उस चीज का गुस्सा निकालने के लिए, तबेले मालिक का नुकसान करने के लिए सोची और बेजुबान जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। इसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 4 दिन की पुलिस रिमांड दी। और कहीं ना कहीं इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार सा कर दिया। अगर इसको ऐसी कुछ तकलीफ थी तो उस तबेले के मालिक से बात करना चाहिए था, उससे आपस में निपटारा करना चाहिए था, लेकिन बेजुबान जानवरों को मारकर इसको क्या मिला, क्या हासिल हुआ? ऊपर से जेल जाना हुआ वो अलग, कानून सजा देगा जो अलग है। तो कुछ पल के गुस्से के लिए इंसान ऐसी घिनौनी हरकतें करता है, ये तक नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आप आगे इस खबर से संबंधित बयान जो है ठाणे उपायुक्त योगेश चौहान का, वो देखिए। नमस्कार। निजामपुर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 15/5/2022 को जो फिरियादी है, नाम है अरहम साजिद मोमिन, 24 साल के ये व्यापारी है, घर नंबर 204 मोमिन अपार्टमेंट, उर्दू रोड, इस्लामपुरा, भिवंडी। और इन्होंने एक एफआईआर दाखिल की कि मेरा जो चंगेज़ खान तबेला, चंगेज़ खान इनका जो तबेला है जावेद दलवी के घर के सामने बंदर मोहल्ला, उनका वहाँ पे तबेले में 20 रेडे, मतलब 20 पाड़े और 2 भैंसे ऐसे और बाकी के कुछ जानवर थे। तो वहाँ पे 15 तारीख को डेढ़ से रात के 5:30 के दरमियान कोई अज्ञात आदमी आया और उसने वो जो लगभग 7 रेडे और कुछ जो भैंसे थी उसके पैर काटे, और कुछ लोग, कुछ जानवर थे उसमें, 7 जानवर लगभग मर गए। टोटल वो जानवरों की अगर हम हिसाब किताब अगर किया तो लगभग 4 लाख के करीब जो है वो नुकसान इस व्यापारी का हुआ है। वो हिसाब से हमने CR नंबर 110/22 IPC 404/29 के तहत और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो है उसके तहत ऑफेंस रजिस्टर किया था। तो ये 2-3 दिन जो है कि भाई ये इसके बारे में वीडियो भी वायरल हुआ था, बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी की तरीके से इन जानवरों को काटा गया है, मारा गया है।
लेकिन इसके दरमियान ताबड़तोब हमने एक टीम बनाई, उसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर, उसके बाद हमारे जो है पीआई बने, और जो हमारे कॉन्स्टेबलरी है पुलिस नायक सचिन पवार वगैरह और आयो दुबे, इन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद ये दो चार दिन में ही जो है दो तीन दिन में जो बंदा था, जो आदमी था, उसको जो पकड़ लिया गया है। वो तो भागने की कोशिश कर रहा था, इसमें हमें कुछ हमने अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई ये किसने किया है, क्या रीज़न है, तो पूरी छानबीन के बाद पता चला और इन्फॉर्मेशन पुलिस हवलदार शैलेश गोलार इनको मिली और सचिन पवार इनको कि एक बंदा ऐसे सस्पेक्टेड जो है वो अरकम मस्जिद रोड खड़ी पार्क के आसपास ही घूम रहा है, तो उसको जाके वहाँ पकड़ने की कोशिश की, उसने भाग जाने की कोशिश की, उसके बावजूद बहुत अच्छी तरीके से हमारे टीम ने उसको पकड़ा, धर दबोचा और उसको इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि जो आदमी है जो जिसने काम किया था, क्योंकि ये मास्क लगा के वहाँ के बुरी तरीके से जानवर को काट के मास्क लगा के भाग गया था, हमारे पास कुछ CCTV इसके बारे में हमने छानबीन के दरमियान उपलब्ध कराए थे, और वो जो मिला है आदमी उसका नाम है फाजिल हुसैन रफीक अहमद कुरैशी, 20 साल का है, ये रहता है कसाईवाड़ा कुरैशी नगर भिवंडी में। उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि इसकी पुरानी रंजिश ये जो है फिरियादी और हम साजिद मोमिन के साथ थी, इसलिए उसका बदला लेने के लिए ये बहुत क्रूरता वाला व्यवहार इन जानवरों के साथ उसने किया है, उसने उसकी कबूली भी दी है और उसको 24/5/2022 तक उसको पुलिस कस्टडी मिली है, और इसमें पुलिस कस्टडी में अभी जो जो चीज़ें या जो जो हथियार उसने इस्तेमाल किए थे उसको हम रिकवरी उसकी हम करने वाले हैं। सर किस बात का झगड़ा था उनका? मेरे ख्याल से इसलिए जो है आरोपी जो है फाजिल हुसैन रफीक अहमद, उसका कहना है कि मैंने ये जो फिरियादी आरम साजिद मोमिन को 10-12 लाख रुपए का मैंने जानवरों के धंधे में इसमें फ़ायदा कराया था, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था, उसकी बुराई कर रहा था, उसके बारे में गलत सलत समाज में लोगों में ये बात फैला रहा था, इसके लिए उसका काटा निकालने के लिए उसने ये जो है ये जानवरों के साथ जो बंधे हुए थे उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया। सर कहा यह जाता है कि जो कुरैश बिरादरी होता है तो कुरैश बिरादरी जानवरों के साथ इतनी क्रूरता नहीं कर सकता, क्योंकि कई कुरैश बिरादरियों से हमने हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।